हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका आईपी सॉल्यूशन में। देखिए, आधुनिक इतिहास मॉडर्न हिस्ट्री का टॉप 500 एमसीक्यूज का मैंने सीरीज स्टार्ट किया है और इस सीरीज का ये दूसरा भाग है हमारा। इससे पहले एक पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है, तो बीपीएससी स्पेशल नाम से एक प्लेलिस्ट बनाया गया है, उसमें जाइएगा तो पहला वीडियो आपको मिल जाएगा। तो पहला वीडियो भी आप ज़रूर देखें यदि आपने नहीं देखा है तो। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मेरा एक ही रिक्वेस्ट होता है आपसे कि प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए। आपके पास जितना व्हाट्सएप एंड फेसबुक ग्रुप होगा वहाँ पर शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेंगे। और इसमें टोटल 25 प्रश्न सिलेक्ट किए गए हैं भाग दो में, तो 25 में आपका स्कोर कितना आ रहा है ये ज़रूर बताइएगा। और ताकि इससे जो है एक आपको आइडिया लगेगा कि मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक इतिहास में हमारी तैयारी कितनी बेहतर है, तो ये बीपीएससी बिहार दारोगा, जेपीएससी, जेएसएससी सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। मेरा नाम है अभिमन्यु सिंह। देखिए, पहला प्रश्न क्या है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है। यदि आपने सूरत अधिवेशन के बारे में पढ़ा है तो आपको बताना है कि सूरत अधिवेशन के बारे में इनमें से कौन सही है। एक एक करके पढ़ते हैं, इसके बाद पता करते हैं कि कौन सही है। पहला है, 1907 का सूरत अधिवेशन सूरत में ताप्ती नदी के तट पर आयोजित किया गया था। ये बिल्कुल ठीक है। एक तो डेट आपको याद रखना है कि सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ। ओके, गरमपंथी का नेतृत्व जो है, गरमपंथी दल का नेतृत्व लाल बाल एवं पाल द्वारा किया गया था। गरमपंथी का नेतृत्व जो है वो लाल बाल पाल के द्वारा किया गया, वहीं नरम पंथ का नेतृत्व गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। क्या ये सही है? ये भी बिल्कुल ठीक है। ओके, इसके बाद है ऑप्शन सी, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे ये जो घड़े हैं, घड़े नहीं धड़े होगा, मतलब कि टीम जो है वो। ओके, ऑप्शन सी है, सूरत सत्र की अध्यक्षता डॉक्टर राज बिहारी बोस द्वारा किया गया। ओके, ये भी बिल्कुल ठीक है। इसके बाद है, गरमपंथी सूरत अधिवेशन का अध्यक्ष लाला लाजपत राय को बनाना चाहते थे। गरमपंथी जो भी लोग थे, इनका जो टीम था, वो लोग चाहते थे कि सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय करें। ये भी बिल्कुल ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी कथन बिल्कुल ठीक है सूरत अधिवेशन से संबंधित। तो देखिए, इस टाइप के जो भी प्रश्न होते हैं, एमसीक्यू जो इस टाइप का बनाया हुआ होता है, इससे हमारा कॉन्सेप्ट भी साथ ही साथ क्लियर होते जाता है। तो ये हमारा स्टेटिक जीके नहीं है, इससे जो है वो पूरा कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। ऐसा इसीलिए एमसीक्यूज बनाया गया है आप लोगों के लिए। ओके, इसके बाद है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक निम्नलिखित किस विद्रोह पर आधारित है। देखिए, एक तो ये पूछा जाता है कि आनंद मठ जो उपन्यास है वो किसके द्वारा लिखा हुआ है, तो ये है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के द्वारा। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इसमें किसका वर्णन किया गया है, किस विद्रोह का वर्णन किया गया है, तो इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, सन्यासी विद्रोह का। अब देखिए, मैं 2 से 3 प्रश्न आप लोगों से पूछूंगा हर वीडियो में। अब इसमें आपको बताना है कि सन्यासी विद्रोह कब हुआ, ओके, और इसके नेता कौन थे, ये आपको बतानी है। कमेंट में आप लोग फटाफट बताना शुरू कर दीजिए। इसके बाद है, निम्नलिखित कथनों में कौन सही है, इनमें से कौन सही है ये बताना है। तो देखिए, एक एक करके पढ़ते हैं। गांधी जी द्वारा भारत में प्रथम सार्वजनिक भाषण चंपारण में दिया गया, ये गलत है। इसके बाद है, गांधी जो के द्वारा पहले किसान सत्याग्रह की शुरुआत चंपारण में किया गया, ये ठीक है, और ये किया गया था 1917 में। इसके बाद है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे, ये भी सही नहीं है। यानी कि इसमें सिर्फ सही जो है वो ऑप्शन बी। अब थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए, गांधी जी का भारत में पहला जो सार्वजनिक भाषण था वो फरवरी 1916 में, ओके, इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को उद्घाटन समारोह में दिया था। और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष ये वल्लभ भाई पटेल नहीं बल्कि लाला लाजपत राय थे, ओके, लाला लाजपत राय ये थे। निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम स्वीकार करते हैं, इनमें से कौन है
जो 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम स्वीकार करते हैं। तो इसका सही जो आंसर है वह ऑप्शन डी, बी और सी, डॉक्टर एस एन सेन और बी डी सावरकर। अब थोड़ा सा बता दो, देखिए डॉक्टर मजुमदार जो हैं, डॉक्टर मजुमदार ये जो है इनके द्वारा 1857 का विद्रोह को राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के रूप में स्वीकार नहीं किया गया था, जबकि इन दोनों के द्वारा किया गया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में हुआ, और बहुत सारे स्टूडेंट पहले वीडियो में उन्होंने बताया था कि कमेंट में बोला था कि सर आप जो है जो भी सत्याग्रह या इंपॉर्टेंट डेट है वो जरूर बताया कीजिए वीडियो में। तो यहाँ पे कोस्ट में लिखा हुआ है व्यक्तिगत सत्याग्रह से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। तो देखिए पढ़ते हैं इसके बारे में। पहला है प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही विनोबा भावे थे, जबकि दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही जयप्रकाश थे। इसके बाद है दो चरणों वाले व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को हुआ। अब इसमें बताना है कि इनमें कौन सही नहीं है, गलत पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केवल एक। ओके, ए जो है ये सही नहीं है, बाकी ये बी जो है वो बिल्कुल ठीक है। अब देखिए प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह विनोबा भावे ये जो है ये थे, और दूसरे ये तो बिल्कुल ठीक है कि ये विनोबा भावे ही थे, ठीक है, लेकिन दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रह जो थे वो जयप्रकाश नहीं बल्कि जवाहरलाल थे, जवाहरलाल नेहरू थे। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। इसके बाद है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बंकिम चंद्र चटर्जी दुर्गेश नंदिनी इनके द्वारा लिखा हुआ है बिल्कुल ठीक है, श्री अरविंद दिव्य जीवन ये बिल्कुल ठीक है, चंदुमेनन इंदुलेखा ये भी बिल्कुल ठीक है, कृष्णम्मा चेट्टी प्रताप मुदलियार चरित्रम ये जो है इनके द्वारा है ये गलत है। ओके, देखिए ये जो है प्रताप मुदलियार चरित्रम इनके द्वारा जो लिखित है वो है सैमुअल बी पिल्लई। ओके सॉरी, प्रताप मुदलियार चरित्रम जो है ये किसके द्वारा लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है सैमुअल बी पिल्लई इनके द्वारा लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। और ये तमिल भाषा का पहला उपन्यास था, तमिल भाषा में लिखा हुआ था ये पहला उपन्यास। निम्न कथनों में से कौन बंगाल विभाजन के पीछे मूल प्रयोजन था, बंगाल विभाजन के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। देखिए इसका सही जो आंसर है वह है ऑप्शन बी, डी, केवल बी। ओके, बंगाल एवं देश के अन्य भागों से उभर रहे राष्ट्रवाद के कारण बंगाल का विभाजन अपरिहार्य था। अब देखिए थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बारे में। देखिए औपचारिक तौर पे ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन के लिए प्रशासकीय कारण बताया है, लेकिन बंगाल विभाजन के पीछे वास्तविक कारण जो था वो था बंगाल और शेष भारत में उभरते हुए राष्ट्रवाद को नष्ट करना, ये था मेन उद्देश्य। अब बंगाल विभाजन कब हुआ ये भी आप कमेंट में बता सकते हैं। देखिए आप लोग कमेंट में सिर्फ ऐसे डेट मत बताया कीजिए, मुझे पता नहीं चलता है, आप लोग कमेंट में बताइएगा, लिख दीजिएगा बंगाल विभाजन ऐसे करके और यहाँ पे डेट लिख दीजिएगा। ओके, इसके बाद है गांधी जी का आगमन ताजी हवा के एक झोंके की तरह हुआ, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है। तो देखिए इसका सही जो आंसर है वह ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। ओके, भारत में साम्यवादी और क्रांतिकारी चरमपंथ के विशेष प्रकृति के संदर्भ में कौन सही है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत के गणतंत्र होने की वकालत साम्यवादी एवं क्रांतिकारी चरमपंथी दोनों ही करते थे। ओके, अब देखिए कम्युनिस्ट और क्रांतिकारी चरमपंथियों के बीच बुनियादी अंतर उनके राष्ट्रवादी दृष्टिकोण में था, जहाँ पे पहले वाले का विश्वास अंतर्राष्ट्रवाद जो है अंतर्राष्ट्रवाद में था, और बाद वाला जो है वो राष्ट्रवाद में विश्वास करता था, और कम्युनिस्ट और क्रांतिकारी ये चरमपंथी दोनों के समर्थक लगभग एक जैसे ही थे, जैसे मजदूर किसान या अन्य जो कामगार वर्ग है इसके लिए। ओके, तो ये भी याद रखेंगे।
भारत शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में पूछा जा रहा है। देखिए, इसका सही आंसर ऑप्शन डी, ए और बी। प्रांतों में द्वैत शासन के साथ साथ केंद्र में भी द्वैत शासन व्यवस्था लागू किया गया। इसके बाद है भारत शासन अधिनियम 1935 में वर्णित परिसंघीय व्यवस्था को अमली जामा पहनाया गया। ये दोनों बिल्कुल, ये बिल्कुल जो है वो सही नहीं है। प्रांतों को स्वायत्तता दी गई, ये बिल्कुल ठीक है। अब देखिए, इसके बारे में बताता हूँ कैसे सही नहीं है ये। देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा द्वैत शासन को प्रांत स्तर से समाप्त करके केंद्र स्तर पर लागू कर दिया गया था, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि द्वैत शासन के साथ साथ केंद्र में भी द्वैत शासन व्यवस्था लागू किया गया था, प्रांत के साथ साथ, ऐसा नहीं है। ओके, इसके तहत जो है वो द्वैत शासन को प्रांत स्तर से हटा करके केंद्र स्तर पर सिर्फ जो है वो लागू किया गया था। और परिसंघ में रियासतों के स्वैच्छिक सम्मिलित का प्रावधान होने के कारण इसके द्वारा निर्धारित परिसंघ व्यवस्था कभी अस्तित्व में नहीं आ सका था। ओके, ये भी याद रखें, रखना है। और प्रांतों को स्वायत्तता दी गई, ये तो ठीक ही है। भारतीय शिक्षा प्रणाली को 1800-1900 के दौरान आमूल चूल परिवर्तन का सामना करना पड़ा। ओके, जब पारंपरिक शिक्षा प्रणाली को औपनिवेशिक शिक्षा प्रणाली द्वारा बदल दिया गया, शिक्षा में औपनिवेशिक प्रणाली स्थापित करने के लिए चार प्रमुख निर्णय सरकार द्वारा लिए गए थे। ये कौन कौन से निर्णय है ये बताना है, एक एक करके पढ़ते हैं। 1835 का बेंटिक का निर्णय कि शिक्षण का माध्यम अंग्रेजी हो, ये बिल्कुल ठीक है। 1844 का हार्डिंग होगा यहाँ पे, ठीक है, हार्डिंग, इसका निर्णय था कि शिक्षित लोगों को सरकार में रोजगार देना, ये भी बिल्कुल ठीक है। 1854 का विड डिस्पैच, ये भी ठीक है। 1882 का भारतीय शिक्षा आयोग, ये भी ठीक है। यानी कि ये सभी बिल्कुल सत्य हैं, ऑप्शन ई इसका सही आंसर होगा। महात्मा गांधी दृढ़ संकल्पी नेता थे, राष्ट्रीय नेता थे, उनके अनुयायियों में से उनके संविधान सभा के हिस्सा रहे हैं। महात्मा गांधी का मानना था कि ग्राम पंचायतों का सशक्तिकरण प्रभावी विकेंद्रीकरण का एक प्रमुख साधन है। फिर भी 1950 के मूल संविधान में पंचायत सहित स्थानीय शासन को पर्याप्त महत्व नहीं प्राप्त हुआ, इसके लिए मुख्य कारण उत्तरदायी रहा। तो देखिए, इसका सही जो आंसर है वो ऑप्शन सी, ग्रामीण स्तर पर चरण स्थानीयता की उपस्थिति को राष्ट्र के एकीकरण एवं अखंडता के लिए खतरा माना गया है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। देखिए, विभाजन के कारण उत्पन्न अशांति की वजह से संविधान में एक मजबूत एकात्मक प्रवृत्ति दिखाई देती है, और चरम स्थानीयता राष्ट्रीय एकीकरण और एकता के रास्ते में ये खतरा होता है। स्टेनली वॉल्डविन के नेतृत्व में ब्रिटिश कंजर्वेटिव सरकार द्वारा 1927 में साइमन कमीशन का गठन भारतीय शासन अधिनियम 1919 के तहत स्थापित भारतीय संवैधानिक व्यवस्था के कार्यकरण पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया था, किंतु भारत में इस आयोग का विरोध किया गया, आयोग का बहिष्कार किया गया था। इसमें सही उत्तर क्या है वो बताना है। तो देखिए, इसका सही जो आंसर है वो ऑप्शन डी, ये सभी कांग्रेस द्वारा, मुस्लिम लीग द्वारा और हिंदू महासभा के द्वारा, ऑप्शन डी ये सभी इसका सही आंसर होगा। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में पूछा जा रहा है कि कौन सही है, एक एक करके पढ़ते हैं। सत्याग्रह सभा की स्थापना रॉलेट एक्ट के विरोध में हुई थी, ये बिल्कुल ठीक है। महात्मा गांधी द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया गया, ये गलत है। गांधी इरविन समझौते के बाद गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को निलंबित कर दिया गया था, ये ठीक है। यानी कि ए और सी, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अब थोड़ा सा बता दूं, महात्मा गांधी द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा नहीं लिया गया था, उन्होंने द्वितीय सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। क्रिप्स मिशन 1942 के द्वारा निम्नलिखित में से कौन से प्रस्ताव को सुझाया गया? इसका सही आंसर है, एक एक करके पढ़ते हैं। डोमिनियन स्थित
स्थिति के साथ एक भारतीय संघ, ये बिल्कुल ठीक है। संविधान के निर्माण की जिम्मेदारी अब पूरी तरह से भारतीयों के हाथों में हो, यह भी ठीक है। भारत की सुरक्षा का मामला ब्रिटिश हाथों में रहे, यह भी ठीक है। उपर्युक्त सभी कथन बिल्कुल ठीक है, क्रिप्स मिशन 1942 से संबंधित। ओके, देखिए इसके बाद है रॉयल इंडियन नेवी, इसके विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो देखिए इसका सही जो आंसर है वो ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह सभी तटों मुंबई से कराची से कोलकाता तक फैल गया। जहाजों के मस्तूल पर कांग्रेस, मुस्लिम लीग और साम्यवादियों के झंडे एक साथ फहराए गए, ये दोनों बिल्कुल ठीक हैं। एक्का आंदोलन 1921 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ए और सी। मुख्य कारण लगान दरों का अत्यधिक होना, यहां तक कि निर्धारित दरों से भी 50% अधिक लगान लिया जाता था। इसके बाद है बाबा रामचंद्र इसके प्रमुख नेताओं में से एक थे, ये सही नहीं है। यह आंदोलन प्रतीकात्मक धार्मिक अनुष्ठानों द्वारा चिन्हित किया गया, ये ठीक है। तो एक्का आंदोलन से संबंधित ये जो है वो ए और सी बिल्कुल ठीक हैं। अब देखिए 1920 में किसान सभा आंदोलन से जुड़े प्रमुख लोगों में बाबा रामचंद्र शामिल थे, और 1921 का ये जो एक्का आंदोलन हुआ था इससे ये नहीं जुड़े थे। ओके, 1885 में कांग्रेस की स्थापना से पूर्व अन्य विभिन्न संघों के संस्थापक सदस्य के रूप में निम्नलिखित में से कौन से लोग जुड़े हुए थे? तो इसका सही जो आंसर है वह ऑप्शन ई, ये सभी, न्यायमूर्ति रनाडे, दादा भाई नौरोजी, आनंद चालू और डब्ल्यूसी बनर्जी, ये सभी इसका सही आंसर होगा। देखिए न्यायमूर्ति रनाडे और अन्य लोगों ने मिलकर 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की। इसके बाद इसके पहले 1866 में दादा भाई नौरोजी ने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इसका गठन किया। इसके बाद जो है 1884 में आनंद चारू ने मद्रास महाजन सभा मद्रास महाजन सभा का गठन किया, और बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना जो है 1885 में, याद रखेंगे डेट महत्वपूर्ण है, 1885 में फिरोज शाह मेहता ने किया था, और डब्ल्यू सी बनर्जी ने दादा भाई नौरोजी के साथ मिलकर के 1865 में लंदन इंडियन सोसाइटी की स्थापना की थी, जिसके बाद जो है 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के रूप में इसे जो है वो चेंज कर दिया गया। फराजी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? इसका सही आंसर है, एक एक करके पढ़ते हैं, पहले यह एक धार्मिक सुधार आंदोलन था, यह बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पे कौन सही नहीं है यह पूछा जा रहा है। इसमें मुस्लिम समाज में व्याप्त अंधविश्वास का विरोध किया गया, फराजी आंदोलन में, यह भी ठीक है। इसमें मुस्लिम समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार का विरोध किया गया, यह भी ठीक है। किसान इस आंदोलन का हिस्सा नहीं थे, ये गलत है। ओके, तो इसमें गलत पूछा जा रहा था, तो ऑप्शन डी ये गलत है, बाकी ऑप्शन ए बी सी और ए बी सी जो है वो बिल्कुल सही है। तत्वबोधिनी सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी। इसकी स्थापना राजा राममोहन राय के विचारों को बढ़ावा देने के लिए किया गया। इसके द्वारा रैयतों की स्थिति में सुधार एवं शराबबंदी का समर्थन किया गया, ये दोनों बिल्कुल ठीक है, तत्वबोधनी सभा से संबंधित। इसने भारतीय अतीत का व्यवस्थित अध्ययन करने को एक अंक के रूप में संस्कृत में प्रकाशित तत्वबोधनी पत्रिका के द्वारा बढ़ावा दिया, ये जो है वो सही नहीं है। कैसे सही नहीं है वो बताता हूँ। यह जो है अपने अंक का बंगाली भाषा में यहाँ पे लिखा हुआ है, सिर्फ गलत ये है यहाँ पे लिखा हुआ है संस्कृत भाषा में, ये बंगाली भाषा में था। ओके, तो ये आपको याद रखना है। स्वराज्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
स्वराज्यों के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसके सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। उनके द्वारा हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया गया, विधान परिषदों के बहिष्कार के वे विरोधी थे, ये दोनों बिल्कुल ठीक है। ओके, रॉलेट एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें सरकार को बंदी प्रत्यक्षीकरण के अधिकार की निलंबन की शक्ति प्रदान की गई, ये ठीक है। इसका केंद्रीय विधान परिषद के प्रत्येक सदस्य द्वारा विरोध किया गया, ये भी ठीक है। यानी कि ऑप्शन सी, ए तथा बी दोनों बिल्कुल ठीक है और रॉलेट एक्ट से संबंधित। स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? स्वदेशी आंदोलन के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मुस्लिमों ने इसमें भाग नहीं लिया। ओके, ये सही नहीं है, मुस्लिमों ने भी इसमें भाग लिया था। बाकी इसमें स्वनिर्भरता एवं आत्मशक्ति पर बल दिया गया, ये बिल्कुल ठीक है। महिलाओं की भागीदारी इसका उल्लेखनीय पहलू है, ये भी ठीक है। आंदोलन को उल्लेखनीय सफलता मिली, ये भी बिल्कुल ठीक है। देखिए, इसमें बहुत से प्रसिद्ध मुस्लिम जो है वो भाग लिए थे स्वदेशी आंदोलन में, जैसे बैरिस्टर अब्दुल रसूल, लियाकत हुसैन, ये सब जो है वो भाग लिए थे, तो ये सही नहीं है, ऑप्शन सी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? इसमें गलत पूछा जा रहा है, तो पढ़ते हैं पहले, इसके बाद पता करते हैं कौन गलत है। असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया था, ये बिल्कुल ठीक है। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920 को हुई थी, ये भी बिल्कुल ठीक है। कोलकाता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता बिपिन चंद्र पाल ने की, ये गलत है। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 में हुई, ये भी बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन सी जो है ये सिर्फ गलत है। देखिए, 1920 के कलकत्ता के कांग्रेस के विशेष अधिवेशन का आयोजन जो है वो बिपिन चंद्र पाल ने नहीं बल्कि लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में किया गया था। ओके, थियोसोफिकल सोसाइटी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उसके द्वारा संपूर्ण मानव के संदर्भ में विश्व बंधुत्व का प्रचार किया गया, ये बिल्कुल ठीक है। इसके द्वारा आत्मा के स्थानांतरण के सिद्धांत को मान्यता दी गई, ये भी बिल्कुल ठीक है। सोसाइटी द्वारा केवल हिंदू धर्म के पुनरुद्धार यहाँ पे होगा, ओके, पुनरुद्धार एवं सशक्तिकरण की वकालत की गई, ये सही नहीं है। यहाँ पे सही पूछा जा रहा था, ए और बी सही है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। तो 25 प्रश्न में आपका कितना स्कोर आया वो कमेंट में बताइए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। सो थैंक यू सो मच, इस वीडियो में इतना ही।